नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव सविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सिरके वाले प्याज बनाना, वो भी घर पर। जैसे होटल रेस्टोरेंट में हम खाते हैं वही टेस्ट आएगा, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये छोटे साइज़ के प्याज लिए जिनको मैंने छील लिया है। अभी पानी में इनको डाल दिया है। हरी मिर्च भी लेंगे साथ में। और ये देखिए, ऐसे जो प्याज है उनको ऐसे बीच से कट लगा लेंगे। तो सारे प्याज को पहले ऐसे कट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से कट लगा लेना है, ज़्यादा नहीं काटना, सिर्फ थोड़ा सा ही इसे कट कर लगा लेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर हरी मिर्च में भी फिर से ऐसे कट लगा लेंगे, इस तरह से कट लगा लेना है। तो इसमें अब हम यहाँ पर चुकंदर होती है जो, वो यूज करेंगे, उससे अच्छा कलर हो जाएगा इसका। कुछ काली मिर्च और तेज पत्ता लिया मैंने। एक यहाँ पर एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें ये जो सिरका आता है सफ़ेद वाला, ये डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने ये आधा गिलास लिया है सिरका, ज़्यादा नहीं डाला इसमें। अब ये गिलास इसके अंदर मैंने सिंपल पानी डाल दिया है। ये 10 से 11 काली मिर्च है और ये तेज पत्ता है। अब इसमें नमक डाल देंगे एक चम्मच, एक चम्मच साथ में इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। और देखिए, इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम यहाँ पर जो हमने प्याज कट किए हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। जितने आपको प्याज बनाने हैं उसके अनुसार आप इसके अंदर डालिएगा। ये भी इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब ये चुकंदर डाल दिए कटी हुई, मैंने एक छोटे साइज़ की चुकंदर ली है, इससे अच्छा कलर भी आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कम से कम इसे 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे इसमें भी ढक कर रख सकते हैं 6 घंटे के लिए, या फिर आप कोई भी कांच की बोतल हो उसमें आप इसे भर कर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे 6 घंटे में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कांच की बोतल ली है, तो इसमें भी आप ऐसे ही भर सकते हैं। देखिए, हम डाल देंगे जो भी इसमें, जैसे काली मिर्च डालते इसका भी फ्लेवर अच्छा आएगा इसके अंदर, और तेज पत्ता, इसकी भी अच्छी खुशबू हो जाएगी। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इस तरह से इसमें डाल देंगे, और इसमें जो भी ये चुकंदर है वो भी इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से ढक्कन लगा कर रख देंगे। कम से कम 6 घंटे लगेंगे इसको अच्छी तरह से सेट होने में, बनने में। तो चलिए इसे रख देते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर 6 घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से ना तैयार हो गया है प्याज भी और हरी मिर्च भी। दे देखिए, मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगी, खोल देते ढक्कन। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सिरके वाले प्याज बनकर तैयार हुए हैं। अभी एक पीस मैं निकाल कर भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा इनका जैसे हम होटल में खाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेंगे। आप भी इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छे सिरके वाले प्याज बनकर तैयार होंगे। बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें बना सकते हैं, 2 से 3 दिन तक आप इन्हें खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो चलिए सर्व कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। ऊपर से इसमें चाट मसाला ऐसे छिड़क देंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन बटन को भी जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।